गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स. एज यूजुअल वी विल स्टडी योर स्टूडेंट एडवाइजर बुक ऑफ मैथमेटिक्स क्लास 7. इन आवर प्रीवियस वीडियो वी हैव कंप्लीटेड क्वेश्चन नंबर 7 ऑफ एक्सरसाइज 2.5. सो इन दिस वीडियो विल स्टार्ट विथ क्वेश्चन 8. सो द क्वेश्चन नंबर 8 इज श्याम बॉट 5 kg 300 ग्राम एप्पल्स एंड 3 kg इतने मैंगोज. तो श्याम ने क्या किया, इतने तो सेब लाया, इतने के जी इतने ग्राम तो सेब लाया और इतने के जी इतने ग्राम मैंगोज लाया. सरला ने क्या किया, वो 4 kg 800 ग्राम तो ओरेंजेस लाई और 4 kg 150 ग्राम बनानास लाई. हु बॉट मोर फ्रूट्स, तो ज्यादा फल कौन लाया. तो श्याम का टोटल निकाल देंगे, सरला का टोटल निकाल देंगे, जो ज्यादा होगा वो ज्यादा होगा. तो शुरू करेंगे 7वां 8वां क्वेश्चन. तो 8वें क्वेश्चन में क्या है, श्याम बोट फ्रूट्स इक्वल टू कितने कितने लाया वो, 5 kg 300 ग्राम प्लस 3 kg 250 ग्राम. ये प्लस करेंगे अपन इनको तो 0, 5, 3, 2, 5, 500, 550 ग्राम और 8 kg. ठीक है, फिर शाम के बाद कौन है, सरला है शायद, शाम के बाद है अपने सरला. सरला बॉट फ्रूट्स इक्वल टू, सरला ने क्या किया, 4 kg 800 ग्राम तो वो ऑरेंजेस लाई और 4 kg 150 ग्राम वो बनानास लाई. तो वो क्या लाई, 0, 5, 8 + 1, 9 और 8 kg, तो 8 kg 950 ग्राम. तो 8 kg तो कॉमन है, 8 kg तो कॉमन है. ग्राम्स में देखो 550 ज्यादा होते हैं, 950 ज्यादा होते हैं, 550 से 950 ज्यादा होते हैं. तो 8 kg 950 ग्राम इज ग्रेटर देन 8 kg 550 ग्राम. तो ये क्या, कौन लाया, ये फ्रूट्स बॉट बाय सरला इज ग्रेटर देन फ्रूट्स बॉट बाय श्याम. ठीक है, 9th क्वेश्चन देखेंगे. 9th क्वेश्चन है हाउ मच लेस इज 28 किलोमीटर देन 42.6 किलोमीटर. मतलब जो 28 किलोमीटर है वो 42.6 किलोमीटर से कितना कम है, कितना लेस है. तो क्या करेंगे, माइनस करेंगे. ये क्वेश्चन तो छोटा सा एकदम. तो जो बड़ा वाला है 42.6 किलोमीटर, उसमें से 28 किलोमीटर को माइनस करेंगे. अब कुछ नहीं है, मतलब जीरो है. तो ये तो 6 हो जाएगा, ये 12 में से 8 गया, 4 या 3 में से 2 गया. तो 14.6 किलोमीटर, 14.6 किलोमीटर तो अपन क्या लिख सकते हैं, 28 किलोमीटर इज लेस देन 42.6 किलोमीटर बाई 14.6 किलोमीटर जो अपन ने निकाला है. ठीक है ना, तो अपन ने क्या किया, 2.5 कंप्लीट कर दिया. अब अपन क्या शुरू करेंगे, 2.6 शुरू करेंगे. तो 2.6 में पहला क्वेश्चन है फाइंड, तो इनको अपन को इनटू करना है. तो ये अब मैं कर लेती हूँ पहले. ठीक है, एक बार क्वेश्चन फाइंड लिख लो, फिर मैं कर देती हूँ एक्सरसाइज 2.6 लगा लो. फर्स्ट है 0.2 × 6, तो 0.2 × 6 क्या, 6 × 2 = 12 और इसमें 0 के बाद में पॉइंट है, इसमें 1 के बाद में पॉइंट है, तो 1 + 0 1 के बाद में पॉइंट लग जाएगा, 1.2 हो जाएंगे, सीधा हो गया. सेकंड है 8 × 4.6, तो 8 को 46 से करो, 8 × 6 = 48 और 8 × 4 = 32 + 4 = 36. इसमें 1 के बाद है, इसमें 0 के बाद है, तो 1 के बाद लग जाएगा. थर्ड 2.71 × 5, तो 5 × 5 = 5, 7 × 5 = 35, 5 × 2 = 10 + 3 = 13. इसमें 2 के बाद, इसमें 0 के बाद, तो 2 के बाद लग जाएगा. फोर्थ
20.1 इंटू 4, तो 4 वन जा 4, 0, 4 टू जा 8, इसमें 1 के बाद, इसमें 0 के बाद, तो 1 प्लस 0 1 के बाद लगेगा। फिफ्थ 0.05 इंटू 7, तो 7 फाइव जा 35, और इसमें 2 के बाद, इसमें 0 के बाद है, तो 2 के बाद लग जाएगा, 0 भी लगा दो भले। सिक्स्थ है मेरा 211.02 इंटू 4, 4 टू जा 8, 0, 4 वन जा 4, 4 वन जा 4, 4 टू जा 8, ठीक है ना। तो इसमें 2 के बाद, इसमें 0 के बाद है, तो 2 के बाद लगा दिया। फिर मेरा है सेवन्थ, सेवन्थ है 2 इंटू 0.86, तो 6 टू जा 12, 8 टू जा 16, प्लस 1 17, इसमें 2 के बाद, इसमें 1, 0 के बाद, तो 2 के बाद, ठीक है ना। बाद का क्या मतलब है कि पीछे से लगा रही हूँ मैं, ठीक है। बाद का मेरे पास क्या मतलब है कि मैं पीछे से लगा रही हूँ। तो ये सेवन्थ हो गया है। सेकंड क्वेश्चन करेंगे। सेकंड क्वेश्चन मेरा है फाइंड द एरिया ऑफ रेक्टेंगल हूज लेंथ दी हुई है, ब्रेथ दी हुई है। तो अपन को क्या करना है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल निकालना है जिसकी लेंथ गिवन है और ब्रेथ गिवन है, ठीक है। तो इसमें क्या करेंगे, एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला लगा देंगे। एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ। तो मेरे को लेंथ भी दी हुई है, ब्रेथ भी दी हुई है। तो लेंथ क्या दी हुई है मेरे को, 5.7 सेंटीमीटर, और ब्रेथ दी हुई है 3 सेंटीमीटर। तो 5.7 इंटू 3 करेंगे तो 7 3 से 21, 5 से 15, प्लस 2 17, तो ये एक के बाद पॉइंट लग जाएगा, क्योंकि इसमें एक के बाद, इसमें 0 के बाद, देख लो एक बार, ठीक है। और फिर ये सेंटीमीटर स्क्वायर में, हमेशा एरिया जो होता है वो किसी भी यूनिट के स्क्वायर में नापा जाता है, तो ये सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि ये दोनों सेंटीमीटर में, अगर ये दोनों मीटर में होते तो मीटर स्क्वायर में आ जाता है। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या आ गया, 17.1 सेंटीमीटर स्क्वायर। थर्ड क्वेश्चन है फाइंड, ये वाला है, ये अपन फटाफट करेंगे, टेन इससे इंटू करने वाला। थर्ड क्वेश्चन है मेरा फाइंड, तो फर्स्ट है 1.3 इंटू 10, तो 1.3 इंटू 10 क्या होगा, 0 है, तो ये एक आगे भाग जाएगा, मतलब इंटू होता है तो आगे भागता है, डिवाइड होता है 0 से तो पीछे भागता है, तो ये आगे भागेगा। 13 लास्ट में पॉइंट लगाने का कोई मतलब है नहीं। सेकंड 36.8 इंटू 10, ये आगे भागेगा एक, तो 368 के बाद, तो 8 के बाद पॉइंट लगाने का कोई मतलब है नहीं। 153.7 इंटू 10, ये आगे भागेगा एक, और 7 के बाद में पॉइंट लगाने का कोई मतलब है नहीं। फोर्थ है 168.07 इंटू 10, अब ये एक आगे भागेगा तो 1680.7 हो जाएगा, क्योंकि एक लास्ट में तो पॉइंट लगेगा। फिफ्थ है 31.1 इंटू 100, तो ये दो आगे भागेगा, तो एक ही आगे भागने की जगह है, तो एक जीरो हो जाएगा। और सिक्स्थ क्वेश्चन है 156.1 इंटू 100, तो एक ही आगे भागने की जगह है, तो एक जीरो लग जाएगा। फिर सेवन्थ इधर कर देते हैं, सेवन्थ है मेरा 3.62 इंटू 100, तो ये दो आगे भागेगा, तो टू के बाद पॉइंट लगाने का कोई मतलब है नहीं। एट्थ है मेरा 43.07 इंटू 100, तो ये दो आगे भागेगा, तो सेवन के आगे पॉइंट लगाने का कोई मतलब है नहीं। नाइन्थ है 0.5 इंटू 10, तो ये एक आगे भागेगा, तो मेरा फाइव के बाद पॉइंट लगाने का कोई मतलब है नहीं। टेंथ है 0.08 इंटू 10, तो ये एक आगे भागेगा, तो 0.8 हो जाएगा, क्योंकि जीरो तो कितना ही लगा हुआ आगे, मतलब 0.8 हो जाएगा। इलेवंथ है 0.9 इंटू 100, तो दो आगे भागने के लिए जगह नहीं है, तो 90 हो जाएगा ये, ठीक है ना। ये 9 के आगे भागेगा, फिर एक जीरो बन जाएगा। और फिर ये ट्वेल्थ है मेरा 0.03 इंटू 1000, तो ये 03 के, तो ठीक है, दो के आगे भागेगा, यहाँ आ जाएगा, फिर एक जीरो बन जाएगा, 30, ठीक है, हो गया ये। अब इसमें इतना ही था। अब है मेरा फोर्थ क्वेश्चन, ए टू व्हीलर कवर्स ए डिस्टेंस ऑफ 55.3 किलोमीटर इन 1 लीटर ऑफ पेट्रोल, हाउ मच डिस्टेंस विल कवर इट विल कवर इन 10 लीटर ऑफ पेट्रोल। तो एक टू व्हीलर है मेरा, वो क्या करता है, 55.3 किलोमीटर डिस्टेंस तय करता है, अगर उसमें एक लीटर पेट्रोल भरवाते हैं तो अगर उसमें मैं 10 लीटर पेट्रोल भरवा दूं तो वो कितना डिस्टेंस तय करेगा। तो पहले तो इसमें अपन लिखेंगे, फोर्थ क्वेश्चन में पहले तो अपन लिखेंगे कि डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय 1 लीटर पेट्रोल इक्वल टू 55.3 किलोमीटर,
और फिर क्या पूछा है अपन को, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय, टाइम लीटर पेट्रोल, तो 1 लीटर के लिए इतना है, तो 10 लीटर के लिए इतना इंटू 10 हो जाएगा, तो 555.3 किलोमीटर इंटू 10, तो ये 10, 1 पॉइंट आके भाग जाएगा, 10 से 2 होगा तो 553 किलोमीटर हो जाएगा, क्योंकि 3 के बाद पॉइंट लगाने का कोई मतलब नहीं है, तो 553 आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है फिफ्थ क्वेश्चन, फाइंड, ठीक है फाइंड करने हैं अपन को, तो ये कर लेते हैं अपन फिफ्थ। फाइन ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन है मेरा 2.5 × 0.3, तो ये क्या हो जाएगा, 25 × 3 = 75, और इसमें 1 के बाद है, इसमें 1 के बाद है, तो इसमें 1 1 2 के बाद हो जाएगा, ठीक है 0 लगाओ तो लगा दो। सेकेंड क्वेश्चन 0.1 × 51.7, अब 517 × 1 तो 517, और इसमें 1 के बाद है, इसमें भी 1 के बाद है, तो इसमें 1 1 2 के बाद हो जाएगा, यहाँ लग जाएगा, ठीक है। और फिर थर्ड में 0.2 × 316.8, पहले तो नॉर्मल इंटू कर दो, 8 2 16, 6 2 12 + 1 13, 2 1 2 + 1 3, 3 2 6, अब इसमें 1 के बाद है, इसमें 1 के बाद है, तो इसमें 1 1 2 के बाद लग जाएगा। पीछे से देखते हैं हमेशा हमेशा, ये यूनिटरी से देखते हैं अपन, ये जो होती है ना टेंस, इससे देखते हैं। फोर्थ 1.3 × 3.1, इसको करोगे तो 13 1 13, 13 3 39 + 1 40, इसमें 1 के बाद, इसमें 1 के बाद, तो इसमें 1 1 2 के बाद। फिफ्थ 0.5 × 0.05, 5 5 = 25, और इसमें 1 2 के बाद है, इसमें 1 के बाद, और इसमें 2 1 3 के बाद हो जाएगा, तो इसमें तो 2 ही है, तो 1 0 लग के फिर 3 के बाद लगाएंगे, इसमें आगे तो 0 लगाने का कोई मतलब नहीं है। सिक्स्थ है 1 1.2 × 0.15, तो 15 2 30, 15 1 15 + 3 18, 15 1 15 + 1 16, इसमें 1 2 के बाद है, इसमें 1 के बाद है, तो 2 + 1 3 के बाद लग जाएगा। इसमें 1.07 × 0.02, ठीक है 1.07 × 0.02, तो 7 2 14, 2 1 2, तो इसमें 2 के बाद है, इसमें 2 के बाद है, तो इसमें 4 के बाद लगेगा, 2 2 4 होते हैं, 1 2 3, और 1 0 लगा के 4, ठीक है। फिर एट्थ क्वेश्चन है 10.05 × 1.05, इसको अपन को इंटू करना पड़ेगा, सीधा नहीं होगा ये, तो इसमें रफ में करेंगे अपन, 1005 को इंटू करेंगे 105 से, तो 5 5 = 25, और 5 ये 0 0, और इंटू इंटू 1005, इसको प्लस करेंगे तो 5 2 5 5 0 1, ये आ जाएगा 1 0 5 5 2 5, ठीक है 1 0 5 5 2 5, इसमें 2 के बाद पॉइंट है, इसमें 2 के बाद है, तो 2 2 4 के बाद, 1 2 3 4 के बाद लग जाएगा, तो ये आ जाएगा। नाइन्थ है मेरा 101.01 × 0.01, इसको 1 से करेंगे तो यही खुद ही आएगा, 10101 ही आएगा, 10101 को 1 से करेंगे तो 10101 ही आएगा, इसमें 2 के बाद है, इसमें 2 के बाद है, तो इसमें 4 के बाद है, 1 2 3 4 के बाद है। टेंथ क्वेश्चन 100.01 × 1.1, ठीक है इसको 1.11 से करना है, तो 11 पहले तो नॉर्मल कर दो, 11 1 = 11, 0 0 11 1 = 11, ठीक है क्या किया 11 को इससे किया, तो 11 1 = 11, सॉरी क्या कर दिया, इसको इससे करेंगे देखो, 11 1 = 11 सही किया था, ये 0 0 11 ये आएगा 1, और इसमें 2 के बाद है, तो 2 + 1 3 के बाद लग जाएगा, तो 1 1 0.011 ये आ जाएगा मेरा आंसर, ठीक है। तो मेरी क्या है एक्सरसाइज 2.6 कंप्लीट हो गई है, एक्सरसाइज 2.7 स्टार्ट करेंगे, इसमें फाइंड ही फाइंड वाले क्वेश्चन है खाली, एकदम इजी है ये भी, तो एक्सरसाइज 2.7 स्टार्ट करेंगे। ठीक है तो फर्स्ट क्वेश्चन है फाइंड, फर्स्ट क्वेश्चन है मेरा फाइंड, तो फाइंड में देख लो, फर्स्ट है इसका 0.4 / 2, तो 0.4 / 2 मतलब 0.4 / 2, अब इसको मैं लिख सकती हूँ 4/10 × 2, तो है ही नीचे, 2 तो है ही नीचे, और इसको क्या लिख सकती हूँ 4/10, क्योंकि इसमें जाएगा तो एक पीछे भागेगा, ये मतलब इसमें डिवाइड दूंगी तो एक डिवाइड में 10 है इसलिए पीछे भागेगा, तो पॉइंट लग जाएगा, आगे है पॉइंट पीछे लग जाएगा, तो इसको 4/10 लिख सकती हूँ।
अब 4/2 मेरा 2 आ जाता है और ये 10 ऐसा ही है तो ये 0.2 हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे करने हैं ये वाले क्वेश्चन मुझे। 0.35 डिवाइडेड बाय 5, या फिर दो तरीके हैं। अब दूसरे तरीके से कराऊं, जैसे ये है मेरे पास 0.35 डिवाइडेड बाय 5, इसमें पॉइंट हटाने के लिए मैं क्या करूं, इसको भी 100 से इंटू कर दूं, इसको भी 100 से इंटू कर दूं, तो इसका पॉइंट हटके 35 हो जाएगा, ये 500 हो जाएगा। ठीक है, अब 0 पॉइंट, यहाँ 0 लग जाएगा, 0 यहाँ पॉइंट 0, तो 7, तो ये 7। ऊपर वाला तरीका ज़्यादा ईजी है इसलिए ऊपर वाले से ही करेंगे। अब अपन थर्ड क्वेश्चन है 2.48 डिवाइडेड बाय 4, तो 2.48 डिवाइडेड बाय 4 है ये, तो इसमें इक्वल कर देंगे, तो 248 बाय 100 इंटू 4, और इसको करेंगे तो 4 6 जा 24, और 4 2 जा 8 अपॉन 100, और ये हो जाएगा 0.62। ठीक है, फोर्थ क्वेश्चन है मेरा 65.4 डिवाइडेड बाय 6, तो ये हो जाएगा 65.4 डिवाइडेड बाय 6, तो इसको मैं लिख सकती हूँ 654 बाय 10 इंटू 6, क्योंकि देखो 1 के बाद पॉइंट है, मतलब कितने जीरो लगेंगे नीचे, जितने जितने के बाद पॉइंट है, और पॉइंट हमेशा पीछे से काउंट करते हैं अपन, तो 6 1 जा 6 0, और 6 9 जा 54 अपॉन 10 10.9। नेक्स्ट है मेरा फिफ्थ क्वेश्चन 651.2 डिवाइडेड बाय 4, इसको मैं लिखूंगी 6512 डिवाइडेड बाय 4, और इसको मैं लिख दूंगी अब, सॉरी 10 इंटू भी हो जाएगा, तो 4 1 जा 4, 4 1 जा 4, 4 6 जा 24, 4 2 जा 8, और 4 8 जा 32 अपॉन 10, तो 162.8। फिर सिक्स्थ है 3 पॉइंट, क्या कर दिया, 14.49 डिवाइडेड बाई 7 है, 14.49 बाई 100 इंटू 7, तो ये क्या हो जाएगा, 7 से करो, 7 टू जब 14, और 7 7 जब 49 अपॉन 100, तो 2.07। सेवन्थ है मेरा 3.96 डिवाइडेड बाई 4, तो 3.96 बाई 100 इंटू 4, तो 4 9 जा 36, और 4 9 जा 36 अपॉन 100, तो ये जाएगा 0.99। ठीक है, नेक्स्ट है एट्थ क्वेश्चन, ये है 0.80 डिवाइडेड बाई 5, तो इसको लिख सकते हैं 80 बाई 100 इंटू 5, तो 0 से 0 तो कट गया, 5 1 जा 5, और पॉइंट फिर 5 6 जा 30 पॉइंट 10, तो 0.16। या फिर काटो मत इसको, 5 1 जा 5, फिर 5 6 जा 30, अब 16 बाई 100 भी 0.16 आ जाएगा अपना। तो आज अपन ने क्या किया, यहाँ तक का काम किया, एक्सरसाइज 2.7 के फर्स्ट क्वेश्चन तक आज अपन ने कर दिया। तो अगले एक्सरसाइज में अपन क्या करेंगे, ये वाली जो चैप्टर है पूरा कर देंगे, मतलब इस चैप्टर को पूरा कर देंगे। एकदम इजी इजी क्वेश्चन है, 10 से करना है, 100 से करना है, ठीक है, ऐसे ही ऐसे हैं, तो ये अपन अगले वीडियो में करेंगे।